मुंबई की भाईकला जेल में बीती रिया चक्रवर्ती की दूसरी रात जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। गिरफ्तार कैजान इब्राहिम की बेल रद्द करने के लिए एनसीबी की अदालत में याचिका। रिया शौविक जैद और बसित के बीच कैजान अहम कड़ी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का ट्वीट, सच्चाई जानने के लिए बिना परवाह किए आगे बढ़ते रहेंगे। श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर जारी किया टीवी एक्टर तरुण खन्ना का वीडियो, तरुण ने रिया की भूमिका पर उठाया सवाल। ये तो खुद ही संलिप्त थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कुछ छुपा रही थी ये तो सबको पता है। आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना के दफ्तर के बाद अब खार वाले घर पर बीएमसी कर सकती है कार्रवाई। याचिका दायर कर डेमोलिशन पर स्टे हटाने की मांग की। 2018 में बिल्डर बिल्डिंग में हुए अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने दिया था नोटिस। कंगना सहित बिल्डिंग के कई लोगों ने लिया स्टे। कंगना के टूटे दफ्तर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में 22 सितंबर को की सुनवाई। कंगना ने किया ट्वीट, लिखा, खंडरों में ही काम करूंगी जो दुनिया में आगे बढ़ने का साहस करने वाली महिला की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। बीएमसी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की तैयारी में कंगना के वकील ने कहा, करीब 2 करोड़ का नुकसान। कंगना रनौत को मिला केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का समर्थन। उनके घर जाकर की मुलाकात, बोले, मैं और मेरी पार्टी कंगना के साथ। मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है। कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने छोड़ी कांग्रेस, कहा, मेरे परिवार की मोदी सरकार ने की है मदद, जताया आभार। मां के बयान पर कंगना ने जताई खुशी, कहा, मां के रुख से मुझे सुखद आश्चर्य। अपने खार वाले फ्लैट का ताल्लुक शरद पवार से बताने को लेकर कंगना पर भड़के एनसीपी चीफ, बोले, उनसे जिम्मेदारी से बात करने की उम्मीद नहीं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद का बयान, कंगना के साथ जो हुआ वो गलत, लेकिन मुंबई को पीओके बताना भी सही नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, कंगना पर कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे परिवार की गरिमा गिरी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने कंगना का समर्थन किया, बीएमसी की कार्रवाई को बताया गलत। वाराणसी में कंगना के समर्थन में लगे पोस्टर, शिवसेना नेताओं को बताया गया कौरव कृष्ण की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया। कंगना को लेकर हिमाचल प्रदेश में समर्थन की आवाज, मंडी में कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग शहरों में कंगना को मिल रहा लोगों का साथ। सोलन, ऊना और शिमला में भी कंगना के समर्थन में प्रदर्शन। बिहार में बाढ़ में कंगना के समर्थन में उतरी करणी सेना, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के हमीरपुर में बीजेपी और करणी सेना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, किया पुतला दहन। सहारनपुर में करणी सेना की महिला मोर्चा ने कहा, उद्धव ठाकरे और संजय राउत मांगे माफी। चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना ने तेज की तैयारी, एलएसी की ओर ले जाते देखे गए 155 एमएम की तोप। पांगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर ऊंचाई वाले इलाकों में भारत की पकड़ मजबूत। फिंगर फोर पर भी बढ़ी ताकत। ऊंचाई वाले इलाकों में माउंटेन वॉरफेयर से जुड़े जवानों की तैनाती, चीन की हर चाल पर नजर। भारत और चीन में सैन्य स्तर पर भी विवाद खत्म करने की कोशिश जारी। गुरुवार को ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की फिर हुई बातचीत। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, कहा, भारतीय सेना ने एलएसी पर सभी नियम और प्रोटोकॉल को फॉलो किया। एस जयशंकर ने एलएसी पर चीनी फौज के जमावड़े पर भी जताई नाराजगी। सूत्रों के हवाले से खबर, चीन ने नहीं दी है कोई भी सफाई। विदेश मंत्रियों की बातचीत में हालात सुधारने के लिए डिसएंगेजमेंट पर रहा जोर। चीन ने भारतीय जवानों पर लगाया घुसपैठ का आरोप। मॉस्को में भारत रूस और चीन की त्रिपक्षीय वार्ता, आपसी समझ बढ़ाने और भरोसे को लेकर हुई बातचीत। मॉस्को में भी नहीं माना पाकिस्तान, मुलाकात शाह महमूद कुरैशी ने चीनी विदेश मंत्री के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। चीन पर बरसा ताइवान, कहा, 2 दिनों में पीएलए के कई विमानों ने उसके एयर स्पेस में की घुसपैठ, दी सख्त चेतावनी। भारत ने कुलभूषण यादव के लिए भारतीय वकील की मांग को दोहराया बिना रोक टोक, काउंसलर एक्सेस की मांग भी की। पाकिस्तान ने भारत की मांग को खारिज किया, कहा, स्थानीय कानून में संशोधन मुमकिन नहीं। फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पुंछ के मेंढर और देगवार सेक्टर में गोलीबारी। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बैठक, बीजेपी नेताओं को बुलावा नहीं। दरभंगा में यशवंत सिन्हा ने फिर सुशांत वाले पोस्टर पर साधा निशाना, कहा, लाश पर राजनीति बंद करे बीजेपी। बिहार में चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी एक्शन में, आज से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस का दौरा। बीजेपी की चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे जेपी नड्डा, पार्टी के अलग अलग समितियों के साथ करेंगे बैठक।
नीतीश कुमार से भी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा की सीट शेयरिंग और जेडीयू एलजेपी में तल्खी पर हो सकती बात। रघुवंश प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा एम्स से लिखी इस्तीफे की चिट्ठी। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे को लेकर लालू यादव ने रिम्स अस्पताल से दिया जवाब, कहा आप कहीं नहीं जा रहे, जल्द ठीक हो फिर करेंगे बात। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने लिखी चिट्ठी। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए जोरदार तैयारियां, कोरोना के खतरे को देखते हुए सदन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। इस बार के संसद के मॉनसून सत्र को स्पीकर ओम बिरला ने बताया इतिहास, कहा जल्दी ही 100% डिजिटल होगा संसद का काम। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, बेरोजगारी के लिए बताया जिम्मेदार। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बड़ी मुश्किलें, रेप का आरोप लगाने वाली महिला और उसकी बेटी ने धमकी मिलने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में हंगामा, एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पीटा। अपने संबोधन में शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, सिंधिया ने उन्हें सड़क पर ला दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पहुंचे औरैया, यूपी में क्राइम ग्राफ को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ सहयोगी निशान पार्टी करेगी हल्ला बोल, सभी जिले के सांसदों का घेराव करने की तैयारी। जौनपुर में जमीन विवाद में बवाल, ग्रामीणों ने झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर किया पथराव। कर्नाटक के कुलबर्गी में लगातार बारिश से बड़ी मुश्किल, सारदगी बैराज हुआ ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली, दो सगे भाइयों समेत 4 की मौत। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी, हत्या की खबर से मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक ही परिवार के लोगों में भड़क, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। सिलीगुड़ी के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। यूपी के कौशाम्बी में गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों पर कसा शिकंजा, दोनों की करोड़ों की संपत्ति जब्त। महोबा में निलंबित किए गए एसपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज, 2 अन्य पुलिस वालों पर भी मुकदमा। बाड़मेर में पुजारी की पत्नी ने लगातार रेप का लगाया आरोप, 5 लोगों पर एफआईआर। होशियारपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज और स्टाफ के बीच भिड़ंत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मुजफ्फरपुर में 3 सितंबर को हुई डकैती के मामले में लड़की के अपहरण को लेकर खुलासा, वो खुद परिचित युवक के साथ घर से हुई थी गायब। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस की वर्दी पहने 2 युवक गिरफ्तार, करते थे लूटपाट। नोएडा के सेक्टर 44 में गेस्ट हाउस में काम करने वाले युवक की लाश मिली, सुसाइड की आशंका। कनौज में टावर पर चढ़ा मनरेगा से जुड़ा मजदूर, मेहनताना के बकाया 9,000 नहीं मिलने से नाराज। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में बच्चे से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देवरिया में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के मुंडका इलाके में महिला की हत्या, उसके पति पर ही आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में धमाके के बाद ट्रक में लगी आग, 40 लाख से ज्यादा का सामान खाक, बाल बाल बचे ड्राइवर कंडक्टर। चंदौली में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से टकराया बाइक सवार, अस्पताल जाते समय हुई मौत। आसनसोल में बकरी चुराने के आरोप में 4 महिलाओं की सरेआम पिटाई, पुलिस ने भीड़ से बचाई जान। लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली और पुलिस में मुठभेड़, 1 AK-47 और देसी राइफल जब्त। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में करीब 95,000 से ज्यादा मामले, कुल आंकड़ा 45 लाख के पार। कल आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश भर में 1,172 लोगों की मौत, अब तक 75,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में सामने आए 4,308 मामले। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 2,05,000 के पार, फिलहाल 25,000 के करीब एक्टिव केस। महाराष्ट्र में बीती रात 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, इतने ही समय में 448 लोगों ने गंवाई जान। कटनी में शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय के लोगों का प्रदर्शन, रैली निकाली, पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। पलामू में स्थायी नौकरी के लिए पुलिस वालों का प्रदर्शन, राज्य के लिए पैदल ही निकले, बाद में अधिकारियों ने मान मनोबल से मनाया। वाराणसी में अभिनेता श्रेयस तरफड़े की फिल्म शूटिंग को लेकर लोगों ने जताया एतराज, भक्ति गाने पर कुहरता का लगाया आरोप। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश के बाद पानी में बहने लगी बाइक, जैसे तैसे बचाते नजर आए लोग। उत्तराखंड के रामनगर में गांव के करीब पहुंची बाघिन की खोज तेज, ड्रोन की ली जा रही मदद। महाराष्ट्र के हिंगोली में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, तोड़फोड़ के बाद बसों को जलाने की कोशिश। गाजियाबाद के लोनी में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, भीड़ ने 2 बदमाशों को छुड़ाया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के काफिले की गाड़ी से कुचलकर 1 बच्ची की मौत, लोगों ने किया हंगामा। अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए निकाले गए, पुलिस कर रही है जांच।
आज मेट्रो ट्रेनों का वक्त बढ़ा, सुबह 7 से दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी गाड़ियां। अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा एसी, अतिरिक्त रकम चुकाए बगैर आरामदायक सफर कर सकेंगे रेल यात्री। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना काल में संकट गहराया, अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के नुकसान की आशंका। ईपीएफ ने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज तय किया, ब्याज का भुगतान 2 किश्तों में किया जाएगा। ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए गूगल ने लॉन्च किया वेरिफाइड कॉल्स फीचर, कॉल करने वालों की बताएगा पहचान। पीएनबी ने होम लोन और कार लोन लेना हुआ सस्ता, 31 दिसंबर तक मिलेगा फेस्टिव बोनंजा ऑफर। लेबनान की राजधानी बैरूत के एक बंदरगाह में लगी भीषण आग, भयंकर लपटों से लोगों में दहशत। बैरूत पोर्ट पर आग से भीषण तबाही, फायर ब्रिगेड के साथ हेलीकॉप्टर्स भी राहत कार्य में नजर आए। बैरूत में देर तक आग बुझाने के लिए ऑपरेशन चलता रहा, राष्ट्रपति ने जताई आशंका, जानबूझकर रची गई साजिश या फिर तकनीकी खामी का नतीजा। तेज हवा के चलते फैलती जा रही है कैलिफोर्निया के जंगलों की आग, अब तक 7 लोगों की मौत। ईरान की सेना ने हरमूश के पास 3 दिनों का सालाना नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, तीनों सेनाएं ओमान की खाड़ी में कर रही हैं अभ्यास।